उत्तराखंड में यदि आप शांति, योग और गंगा आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश को गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। ऋषिकेश समुद्र तल से लगभग 372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा किनारे बसा यह शहर एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जहां आपको लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी सेतु, परमार्थ निकेतन और गीता भवन आदि धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। यहां पर प्रत्येक साल देश और विदेशों से लाखों श्रद्धालु और सैलानी यहां घूमने और दर्शन हेतु आते हैं। ऋषिकेश में प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं है। यहां आप नीर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल, गोवा बीच में स्नान कर योग और शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से विदेशी सैलानी यहां योग की शिक्षा प्राप्त कर अपने अपने देशों में योग सिखा रहे हैं, जिस कारण योग का विस्तार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। आप ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर भी जा सकते हैं। यहां से मंदिर जाने हेतु श्रद्धालुओं के लिए पैदल और सड़क दोनों मार्ग उपलब्ध हैं। सावन के महीनों में लाखों कांवड़िए ऋषिकेश से जल भरकर नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर की पैदल मार्ग की दूरी 13 किलोमीटर है। इस पैदल मार्ग की यात्रा को पूरे करने में श्रद्धालुओं को लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर बात करें सड़क मार्ग की, तो आप 33 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से मंदिर जा सकते हैं, जिसको तय करने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप जंगल सफारी का शौक रखते हैं तो आप राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां आपको टाइगर, गुलदार, हिरण, काखड़ आदि जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए यहां राफ्टिंग और बंजी जंपिंग की सुविधा उपलब्ध है। लक्ष्मण झूला से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राफ्टिंग कैंप में आप गंगा जी पर राफ्टिंग हेतु बुकिंग करवा सकते हैं। राफ्टिंग में आपको बोट, लाइफ जैकेट सब राफ्ट बेस कैंप के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार आप बंजी जंपिंग में ऊंचाई से पूरी सेफ्टी के साथ छलांग मारकर एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला स्थित बाजारों में से अपनी जरूरत भर के सामान खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में आप विश्व प्रसिद्ध चोटी वाले होटल में सांस्कृतिक व्यंजनों और खाने का आनंद ले सकते हैं। परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट में होने वाली श्याम की गंगा आरती का दृश्य मन को शांत, मंत्रमुग्ध और विस्मृत कर देता है। हम आपसे कहेंगे कि आप जब भी आप ऋषिकेश आए तो यहाँ पर होने वाली गंगा आरती का आनंद जरूर लीजिए। ऋषिकेश में आप
84 कुटिया में बने योग स्थानों में बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। 84 कुटिया को पुरातन काल में महर्षि महेश योगी के द्वारा बसाया गया था, जो आज के समय में पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। ऋषिकेश आने के लिए सड़क, ट्रेन और हवाई मार्ग तीनों ही उपलब्ध हैं। यदि आप हरिद्वार ऋषिकेश सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आप 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करा सकते हैं। इसी तरह से आप देहरादून से ऋषिकेश बाया रोड आते हैं तो आपको 50 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। यदि आप हवाई मार्ग से ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फ्लाइट्स से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना होगा। एयरपोर्ट आने के बाद आप बाया टैक्सी या बस से ऋषिकेश आ सकते हैं, जो लगभग एयरपोर्ट से 20 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आपको छोटी और लंबी दूरी दोनों रूट पर जाने की फ्लाइट उपलब्ध रहती हैं। अगर आप ऋषिकेश घूमने आने का प्लान बना रहे हैं तो आप साल में सभी मौसमों में यहां आ सकते हैं, लेकिन सितंबर से नवंबर माह के बीच यहां आने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम रहता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हिमालय से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।